आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। मैं तो फॉलो करती हूँ वैन हॉर्न को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉरपोरेट फाइनेंस के सब्जेक्ट के लिए। आप लोग जो है जौन सी भी बुक फॉलो करें उनमें टॉपिक्स मोर और लेस सेम होते हैं। यहाँ जो है वैन हॉर्न की बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर जो है द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम आज थॉरली देखेंगे। दिस इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल चैप्टर। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और वो टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी हम डिटेल देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी फर्दर चैप्टर्स के लिए भी और इटसेल्फ उन खुद टॉपिक्स के लिए भी। फर्स्ट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या रोल प्ले कर रही है। अगर वो रोल प्ले कर रही है तो डेफिनेटली उससे पहले हमें वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी। फाइनेंस संभालने के लिए जो मैनेजमेंट होती है एक फर्म में या कंपनी में। नेक्स्ट हम देखते हैं द गोल ऑफ द फर्म क्या है। फर्म ने बेसिकली अपने क्या गोल सेट किए हैं जो उसने नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में अचीव करने हैं। थर्ड चीज जो हम इस चैप्टर में देखेंगे द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नेंस, ऐसी एक रहनुमाई जो कॉर्पोरेशंस को की जाती है एक स्पेसिफिक अदारे के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली कंसर्न रखती है किस चीज से, एसेट्स की एक्विजिशन से, कि एसेट्स हमने अक्वायर कैसे करने हैं, हासिल कैसे करने हैं। जिन एसेट्स को हमने हासिल करना है उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से करनी है, हमारे पास जो बिजनेस के लिए पैसा आएगा वो कहाँ से फाइनेंस होगा, वो वेदर हम डेट लेंगे, हमारा प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट बचा हुआ है, या हम शेयर्स इशू करेंगे। ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं एज ए रिसोर्स टू गेट अ फाइनेंस फॉर अ फर्म। थर्ड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिससे कंसर्न होती है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स को किस तरह से मैनेज किया जाए कि उससे मैक्सिमम आउटपुट ली जाए। ठीक है, द व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन चीजें आ गई, अक्वायर कैसे करना है एसेट्स को, फर्म के लिए फाइनेंस कहाँ से लेना है, थर्ड जो एसेट्स हमने लिए हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है कि जो ओवरऑल गोल है वो माइंड में रहे और उसको बेस्ट तरीके से अचीव किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमल फर्म साइज, यानी जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो मैक्सिमम फर्म साइज जो है वो क्या होना चाहिए। फर्म साइज स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए, आपकी फर्म को क्या सूट करता है। व्हाट स्पेसिफिक एसेट्स शुड बी एक्वायर्ड, आपके बिजनेस के लिए कौन से एसेट्स बेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो डेफिनेटली उसके लिए मशीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस किस्म की मशीनरी यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एसेट्स जो आपकी वुड है आपके फर्नीचर की कंपनी में, वो वुड किस तरह की है, वो स्पेसिफिक वुड कहाँ से हासिल की जाएगी, कैसे हासिल की जाएगी, उसकी टाइप क्या है। तो ये सब चीजें जो हैं ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मैटर करती हैं। थर्ड चीज जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैटर करती है वो है हमारे एसेट्स। वेदर कुछ एसेट्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं उनको हम रिड्यूस कर दें या बिल्कुल एलिमिनेट कर दें जिनकी हमें कम से कम जरूरत है, उससे फायदा क्या होगा कि हमारा एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारे डिक्रीज होगा तो हमारी एफिशिएंसी उनकी तरफ ज्यादा, हमारी हमारा फोकस उनकी तरफ ज्यादा होगा जो एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा बेटर तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम उन एसेट्स को रिड्यूस कर देते हैं या बिल्कुल जरूरत नहीं होती तो एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं अपनी क्या कहेंगे उसको, अपनी फंक्शंस में से, जो कंपनी का फंक्शन चल रहा होता है उसमें से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है वो होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। हम ये उसमें डिटरमिन करते हैं
के जो एसेट्स हैं हमारे, हम बैलेंस शीट में देखते हैं हमारे एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, वो कहाँ से फाइनेंस होंगे? राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी में से, ठीक है? तो हम ये नोट करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, हमें बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंस, सबसे बेहतर तरीका पैसे का, मनी का हमारे बिजनेस में क्या है, वेदर हम उसको डेट ले लें, ठीक है, उधार जिसको कहते हैं, या फिर हम क्या करें कि उधार की बजाय हम अपना सरप्लस जो हमने रखा हुआ है, जो हमारे पास बचत वाला पैसा होता है, हम उसको यूज कर लें, वो नहीं, ये दोनों तरीके नहीं करने, तो फिर हम किसकी तरफ जाएं? हम जाएं शेयर्स इशू करने की तरफ। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस, ये आपको रियलाइज करना पड़ता है फाइनेंसिंग डिसीजंस के दौरान। सेकेंड चीज जो फाइनेंसिंग डिसीजन में देखनी पड़ती है कि बेस्ट मिक्स क्या है। बेस्ट मिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ परसेंटेज आप डेट से ले लें अपने बिजनेस में फाइनेंस, अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, और कुछ आप ले लें शेयर्स इशू करके। तो कितनी परसेंटेज होगी दोनों की कि आप डेट से ले रहे हैं या आप वेदर उसको शेयर्स इशू करके ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, शेयर्स इशू करके आप जो कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो 60% है, तो रिमेनिंग 40% आप कहाँ से लेंगे? डेट से लेंगे। तो व्हाट इज द बेस्ट मिक्स जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, नुकसान कम से कम हो। थर्ड फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होती है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या रखी जाए? क्या फुली 100% डिविडेंड पे आउट रेशो होनी चाहिए? डिविडेंड पे आउट रेशो में आपको पहले बता दूं क्या होती है, कि डिविडेंड्स हमने कितना परसेंट, जो हमारे पास प्रॉफिट होगा उसमें से कितना परसेंट हमने डिविडेंड पे ऑफ करना है शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड पे ऑफ करने का मतलब ये है कि जो नेट इनकम आपकी बचती है एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो इनकम जो है वो कितने परसेंट डिविडेंड के तौर पे आपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देनी है। क्या आपने 100% कर देनी है, 60% कर देनी है, या 40% कर देनी है? ये आपने फाइनेंसिंग डिसीजंस में अपनी बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी सेट करनी होती है ताकि आपको आसानी हो फर्दर। फाइनेंसिंग डिसीजन में जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज हमने नोट डाउन करनी होती है तो ये है कि जो फंड्स हमने फिजिकली एक्वायर करने हैं वो हम कैसे करेंगे, ठीक है? ये चार चीजें फाइनेंसिंग डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले हमने देखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीजन, नेक्स्ट हम देखेंगे एसेट मैनेजमेंट डिसीजन क्या है। एसेट मैनेजमेंट डिसीजन का मतलब ये है कि जो आपके पास एसेट, आपका असासा है, आपने उसको किस तरह से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, मैनेजमेंट उसकी कैसे करनी है, कि जिस मकसद के लिए वो असासा, वो एसेट आपने अपने पास रखा है, अपने बिजनेस में लगाया है या खरीदा है, उसको आप सही तरह से मैनेज कर सको कि आपको आउटपुट पूरी मिल सके। तो इसमें हम तीन चीजें देखते हैं एसेट मैनेजमेंट डिसीजन में, कि हमने जो हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, नए की बात नहीं हो रही, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए कि वो बेस्ट आउटपुट दे दे। जैसे मशीनरी है, उसको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइजेशन की जाए, उसकी किस तरह से उसके प्रोडक्शन की जाए, कितने आवर्स उसको यूटिलाइज किया जाए कि आप उससे बेस्ट अपनी आउटपुट हासिल कर सकें। जो आपके पास ऑलरेडी एसेट्स मौजूद हैं, आपके सारे एसेट्स जो हैं उस वक्त आपकी कॉरपोरेशन में, आपकी फर्म में एक्टिव हों, ताकि बेस्ट आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप हासिल कर सकें। सेकेंड थिंग जो एसेट मैनेजमेंट डिसीजन में इम्पॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल मैनेजर्स हैज वेरिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। अब वो वेरिंग डिग्री की उनके ऊपर ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एसेट्स से वो ले सकें, ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेट्स के थ्रू क्या ऑपरेशंस रन किए जाएं, कि उस वो जिम्मेदारी सारी की सारी किस पे होती है? फाइनेंशियल मैनेजर्स के ऊपर। थर्ड चीज जो है एसेट मैनेजमेंट डिसीजन में, वो
वो ये आती है कि ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है करंट एसेट मैनेजमेंट पे बजाय के फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट के. करंट एसेट मैनेजमेंट जो है वो उससे हम ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्यादा अमाउंट में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा है, हमारे करंट एसेट्स जितने भी ज्यादा हैं, इन्वेंट्री हमारे करंट एसेट्स में आती है, तो ये सब चीजें जो हैं हम इनसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं इंस्टेड कि हम फिक्स एसेट से ले सकें. फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, हमारे लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी. लैंड और बिल्डिंग के अंदर तो फर्म चल रही है ना. अब फर्म में जो करंट एसेट्स हैं हम उनको इस बेस्ट तरीके से मैनेज करें कि हमारी आउटपुट अच्छी हो जाए. ठीक है, एसेट मैनेजमेंट हमारी अच्छी हो जाए कि हमारा बिजनेस अच्छे से चलने लग जाए, हमारी फर्म अच्छे से वर्क करने लग जाए. फिर हम देखते हैं, ये तो हमने तीन डिसीजन देख लिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होना चाहिए, थर्ड हमने देखा एसेट मैनेजमेंट डिसीजन क्या होना चाहिए. ये तीन डिसीजन हमने देखे किस चीज के अंदर, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. अगर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो तीन तरह के डिसीजंस कर रही है इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये भी तो हम देख सकते हैं ना. देख सकते कि हमने यकीनन देखना है ये कि व्हाट इज द गोल ऑफ द फर्म. फर्म जो इतनी एफर्ट कर रही है उसकी मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर हम डिस्कस कर रहे हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर फर्म का गोल क्या है. बेसिकली फर्म का गोल बेसिकली होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ. आप जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, अब ऑनर्स इक्विटी कहाँ से आती है, कैपिटल हमारे पास कहाँ से आता है, डेफिनेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है वो. और फर्म का जो गोल होता है बेसिक लॉन्ग टर्म गोल वो ये होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ हो, यानी कि शेयर होल्डर्स की जितना कैपिटल था उसमें इंक्रीज आता जाए. अब वैल्यू क्रिएशन ऑफ अ फर्म कब बनती है, जब हम मैक्सिमाइज कर देते हैं शेयर प्राइस फॉर करंट शेयर होल्डर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स करंटली हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके शेयर्स की प्राइस हाई हो जाए तो क्या होगा, हमारी ऑटोमेटिकली फर्म की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी. अब डेफिनेटली आम अगर हम जिंदगी की मिसाल में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि एक फर्म है या एक कंपनी है उसके शेयर्स की प्राइस हाई हो गई है, डेफिनेटली उसकी रिप्यूट हाई हो जाएगी मार्केट में, लोग और चाहेंगे उसमें इन्वेस्ट करना, लोग उसके शेयर्स परचेज करना चाहेंगे, तो मार्केट में उसका एक पूरी रिप्यूट बिल्ट हो जाएगी, गुडविल बिल्ट हो जाएगी, वैल्यू क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो ये कब होता है, जब शेयर प्राइस हाई होती है. वैल्यू क्रिएशन कब होता है, जब शेयर प्राइस हाई होती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ फिर मैक्सिमाइज होती है. नेक्स्ट है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स. और भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हमने बात की कि मैक्सिमाइजिंग अ फर्म्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से डिफरेंट है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म गोल होता है, जबकि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल होता है. ठीक है, इसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में करंट प्रॉफिट्स हाई हो जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में फर्म को नुकसान पहुंचता है. कैसे, मेंटेनेंस डेफर कर दी जाए तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट शो हो रहा होगा वो हाई शो होगा क्योंकि मेंटेनेंस पे तो एक्सपेंस ही नहीं आया. कॉमन स्टॉक इशू कर दिए जाए टी बिल्स परचेज करने के लिए, ठीक है, तो टी बिल्स परचेज करने के लिए जब कॉमन स्टॉक इशू किए जाते हैं फिर वही बात है, करंटली आपका प्रॉफिट हाई शो होने लग जाएगा जो लॉन्ग टर्म में फर्म के लिए हार्मिंग है. सेकंड, इग्नोर कर देते हैं हम चेंजेस को इन द रिस्क लेवल ऑफ द फर्म. जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो हम किस चीज को, रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, रिस्क के लेवल को, कि वेदर इट इज वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, और समटाइम्स हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं. अब शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अनदर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देखते हैं. एक और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है, अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन.
अब अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन का क्या होता है कि मैक्सिमाइजिंग अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय शेयर होल्डर शेयर आउटस्टैंडिंग, ये है अर्निंग पर शेयर का हमारा फॉर्मूला कि अर्निंग आफ्टर टैक्सेस को डिवाइड कर दिया जाए जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो आपकी अर्निंग पर शेयर निकल आएगी। अब अर्निंग पर शेयर जब मैक्सिमाइजेशन की तरफ फोकस किया जाता है तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसमें फर्स्ट ये है कि इसमें टाइमिंग स्पेसिफाई नहीं होती, ना ही ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास गिवन होता है कि कितने ड्यूरेशन में अर्निंग पर शेयर हाई हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड चीज, इग्नोर चेंजेस इन द रिस्क लेवल ऑफ द फर्म, वही जो शॉर्टकमिंग थी हमारे प्रीवियस पर्सपेक्टिव की, हमारा प्रीवियस पर्सपेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, उसमें भी रिस्क लेवल को इग्नोर किया जाता है, इसमें भी रिस्क लेवल को इग्नोर किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होता। थर्ड चीज, कॉल्स फॉर अ जीरो पे आउट डिविडेंड पॉलिसी, जीरो पे डिविडेंड पे आउट पॉलिसी रखी जाती है जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होती, शेयर होल्डर्स पर अट्रैक्ट नहीं होते, उनके लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं रहता इंटरेस्ट का। शेयर होल्डर्स बेसिकली क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको डिविडेंड चाहिए होता है रिटर्न की फॉर्म में, जो उनको रिटर्न मिलना होता है वो डिविडेंड ही तो होता है बेसिकली किसी भी फॉर्म में। तो फिर अगर वो नहीं होगा, जीरो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी रख दी जाएगी, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी को हम देखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर जो है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, क्या किसी भी चीज की स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो हम स्ट्रेंथ्स देखते हैं कि जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पॉइंट की तरफ फोकस करते हैं तो उसकी हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं। टेक अकाउंट ऑफ करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड अर्निंग पर शेयर, हमेशा इसको कंसिडर किया जाता है कि करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड अर्निंग पर शेयर क्या हैं। The timing, duration and the risk of profits and earning per share, dividend policy and all other relevant factors को count किया जाता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। Second चीज, thus share price serves as a barometer for business performance, जो share price है उसको as a standard, as a method, जैसे thermometer temperature के लिए check होता है ना, इसी तरह share price को firm की performance के लिए एक barometer consider किया जाता है, एक आला कंसीडर किया जाता है जिससे पता चल सके कि शेयर प्राइस हाई है, दैट मींस बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, शेयर प्राइस लो है, दैट मींस बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये दो स्ट्रेंथ्स हैं शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, क्या चीजें पढ़ी, पहले हमने द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा, फिर उसके बाद हमने फोकस किया तीन तरह के डिसीजन पे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट पे डिसीजंस पे। नेक्स्ट फिर हमने अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देखे शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के, और इन द एंड हमने डिस्कस की स्ट्रेंथ्स क्या हैं शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न कॉरपोरेशंस किस तरह की होती हैं, उसमें मैनेजमेंट किस तरह की रखी जाती है, उसमें हम डिस्कस करेंगे एजेंसी थ्योरी को, और फिर उसके बाद हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करें। थैंक यू सो मच।